यूपी पुलिस ने सलमान खान के स्टाइल में किया देश के लोगों को सतर्क। सलमान की फिल्मों के नाम लेकर यूपी पुलिस ने किया कोरोना से आगाह। ट्वीट हुआ वायरल। वेल, सलमान खान के बर्थडे का जोश 27 दिसंबर को पूरे दिन देखने को मिला और सोशल मीडिया पर हैशटैग सलमान खान ट्रेंड भी हुआ। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने सलमान खान के स्टाइल में एक ट्वीट किया है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए पुलिस ने लोगों को आगाह करने के लिए सलमान खान की फिल्मों का सहारा लिया है। यूपी पुलिस ने सलमान खान की एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा है, जिंदगी में तीन चीजें कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग। वही इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूपी पुलिस ने कैप्शन में लिखा, वायरस से चल रही कुश्ती में यही तीनों अंतिम तक आपके बॉडीगार्ड बने रहेंगे। सतर्क रहिए और सुरक्षा के सुल्तान बनकर भारत में कोरोना की दबंगई को किक कीजिए। इस कैप्शन में सलमान खान की फिल्में अंतिम, बॉडीगार्ड, सुल्तान, भारत, दबंग और किक का जिक्र है। सलमान ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस ने कोविड कैंपेन में ऋतिक रोशन की फिल्म का भी इस्तेमाल किया है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की कुछ तस्वीरों को फोटोशॉप किया है यूपी पुलिस ने। उन्होंने कैप्शन में लिखा, बिना मास्क के बाहर घूमने की बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदगी खतरे में डाल रहे हो तुम। हर एक इंसान से बाहें खोल के मिल रहे हो तो जिंदगी खतरे में डाल रहे हो तुम। मास्क लगाओ, दूरियां बनाओ, सैनिटाइजर लगाओ। इसके साथ ही यूपी पुलिस ने हैशटैग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का इस्तेमाल किया है। इन पोस्ट को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। अनडाउटेडली ऋतिक रोशन और सलमान खान की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। देश में कई लोग दोनों को आइडल मानते हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन की चेतावनी वाले ये ट्वीट्स बॉलीवुड स्टाइल में था जिस वजह से इसकी चर्चा हो रही है। आपके क्या रिएक्शंस है इस पर? यूपी पुलिस के इस इनोवेटिव स्टाइल को लेकर आप हमें बताइए अपनी राय। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ फॉर योर डेली डोज ऑफ मसाला एंटरटेनमेंट।